मेरे घर पे गुंडों को भेज रहे हैं कि जाके वहां पे पता करो, तो आखिर इन सब चीजें हो क्यों रही हैं। तो अब मैंने जब ये चीजें उठाई, और सबसे बड़ी बात है उनके अनुयायियों ने बोला, हमारे लोगों ने भी नहीं बोला कि शंकराचार्य बोली ऐसा क्यों रहे हैं। सामाजिक समरसता का कायम कर रहा है कि सिर्फ हमारे ऊपर ही है, SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर ही है कि सामाजिक समरसता कायम रखे, और ये मुट्ठी भर लोगों के लिए हमको आप गालियां देते रहे और हम आपकी बात सुनते रहे। नहीं, अब तो ऐसा नहीं होगा। उनके अनुयायियों ने क्यों नहीं बोला, और जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, तस्वीर भारत की। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रियंका पासवान, वही नाम जो लगातार बेबसी, लाचारी, भूखमरी, भय, भूख, भ्रष्टाचार की खबरों पर बात करती हैं, और लगातार उन आवाज को वो बुलंद बनाती हैं जिनको बरसों से प्रताड़ित किया गया है। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। पिछला वीडियो मैंने आपके साथ जो घटना हुई थी, FIR की थी, आपने एक ट्वीट किया था बाबा को लेके, और लोगों ने आपको जान से मारने की धमकी दी थी जी। बात वही खत्म नहीं होती है, लगातार उसके बावजूद भी आपके आपके साथ इस तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं, इस तरीके के लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, आपका पूरा फेसबुक अगर खंगाला जाए तो उसमें गालियों की लंबी लिस्ट जा रही है। बिल्कुल। तो अब आप बताइए कि कैसे मतलब इसको फेस कर रही हैं। नहीं देखिए, ये लोग जो यहाँ पे ये यहीं पे चीजें नहीं रुकी थी। मैंने तो क्या आखिर मैंने उस उनके लिए कहा ही क्या था जी। वो आचार्य, वो इंसान, अगर मैं देखूं जिस हिसाब से मेरे पास सारी चीजें SC ST OBC महिलाओं के वो विरुद्ध रहते थे, तो आप एक SC ST OBC की महिला से आप क्या सुनना चाहते हैं कि मैं आखिर उनको अपना आदर्श कैसे मानूं, मैं उनको आखिर कैसे पूजूं। इट कांट पॉसिबल। अब मुझे पहले भी पता था कि वो विरोधी तो रहते थे, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। तो जब मेरे पास सबूत आया तो एक आम इंसान आखिर क्या करेगा, आप बताओ। मेरे अंदर जो था एक औरत के नाते कि ठीक है, मैं औरत हूं इसलिए तुम मेरे लिए ऐसा कर रहे हो, मैं दलित हूं इसलिए तुम मेरे साथ इस तरह का भेदभाव कर रहे हो, और ऊपर से तुम बोलते हो मैं हिंदू हूं तो मैं कैसे चुनावी हिंदू हूं। तो बुद्धि तो मेरे अंदर होनी चाहिए ना। और बाकी वो सारी चीजें मैं ले आई हूं, और मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप ये जो मुझे गालियां पड़ी हैं बिल्कुल अपने चैनल पे दिखाइए। मेरा रीजन सिर्फ ये है कि आप बहुजन लोग, SC ST OBC के लोग ये देखें कि एक 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 जो लड़की है वो बैठ करके अगर कुछ लिखती है, बोलती है, अपना एक्सप्रेशन, भाई अगर हम बोलने की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है तो इसका मतलब क्या है, बोलने की स्वतंत्रता सिर्फ मीडिया वालों को तो नहीं मिली है जो मोदी के लिए वो चीता शेर जो बोलते रहते हैं, चांद पे चले जाते हैं, चांद पे चले जाते हैं मोदी जी, और स्मृति ईरानी चिल्लाती रहती है, उनको तो स्वतंत्रता नहीं है। हर इंसान को स्वतंत्रता है अकॉर्डिंग टू संविधान, और अगर वो मुझे स्वतंत्रता है तो किस क्या मुझे सिर्फ सुनना ही है या मुझे कुछ बोलना भी है। तो मुझे बोलना है ना, अगर आप मेरे लिए अगर आप कुछ गड़बड़ बोल रहे हो तो डेफिनेटली मुझे बोलना। और मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे लोगों ने जब शंकराचार्य ऐसे ऐसा बोल रहे थे तो उनके अनुयायियों को बोलना चाहिए कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे सामाजिक सद्भाव खराब होता है। तो आखिर उस समय उनके अनुयायियों ने क्यों नहीं बोला, और जब मैं बोल रही हूं तो मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे घर पे गुंडों को भेज रहे हैं कि जाके वहां पे पता करो। तो आखिर इन सब चीजें हो क्यों रही हैं। तो अब मैंने जब ये चीजें उठाई, और सबसे बड़ी बात है उनके अनुयायियों ने बोला, हमारे लोगों ने भी नहीं बोला कि शंकराचार्य बोली ऐसा क्यों रहे हैं। सामाजिक समरसता का कायम कर रहा है कि सिर्फ हमारे ऊपर ही है, SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर ही है कि सामाजिक समरसता कायम रखे, और ये मुट्ठी भर लोगों के लिए हमको आप गालियां देते रहे और हम आपकी बात सुनते रहे। नहीं, अब तो ऐसा नहीं होगा। मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि हमारे समाज के लोग आज भी महिलाओं के समर्थन में आगे नहीं आ पाते, अगर इस तरीके की केस हमारे सामने आते हैं, जैसे अब लोगों की भावनाएं बहुत आहत हो रही हैं, अगर सामने से कोई इस तरीके का अटैक करता है उनके कैरेक्टर को लेके, निजी जीवन को लेके सवाल खड़ा करता है या हमले करता है, इस पे बहुजन समाज के लोग आगे क्यों नहीं आते। नेताओं की बात कर रही हूँ जी। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है जो हमारे बहुजन समाज के जो नेता हैं जी, ये लोग पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क को मार दिया है इन लोगों ने, और ये लोग एक सामंत जो क्रिएट हो रहा है वो सामंतवाद की तरफ ही बढ़ रहे हैं। उनको हम लोग से वोट तो चाहिए लेकिन वो बोलेंगे नहीं। अभी यहाँ अंकिता नाम की लड़की को हुआ कुछ, गिरिराज देखिए, मैं इन लोगों को इज्जत से नहीं बोल पाऊंगी, माफ कीजिएगा, गिरिराज बोलने चला आया, स्मृति ईरानी बोलने चले आई, विश्व हिंदू परिषद बोलने चला आया, RSS बोलने चला आया, बजरंग दल बोलने चला आया, और वहीं
वहीं जब हमारी बेटी हाथरस में जो उसकी हत्या होती है उसके घर पे अभी तक भी कूड़ा कचड़ा और ना जाने किस किस तरह सताया जाता है, मीडिया वहां क्यों नहीं पहुंचती? क्या वो इस देश की लड़की नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं? एक बार ये लोग सिर्फ बोल दें कि SC ST तुम लोग हिंदू नहीं हो, पहले तो हिंदू है और फिर जब कुछ आता है तो तुम कोई खबर ही नहीं होता। इवन मैंने कई जो पत्रकार जो मेरे दोस्त हैं जो चैनल में हैं वो बोलते हैं जैसे हम SC ST की खबर दिखाते हैं वहां मेन मीडिया में बोल फाड़ के फेंक देते हैं, बोलो कि चलानी ही नहीं है खबर। देखिए अभी अब वहां आप देखेंगे कि जो यहाँ पे लखीमपुर खीरी में जो हुई घटना, मुस्लिम था उसको तुरंत सजा मिली और लोग बोल रहे होंगे कि मैंने कुछ बोला नहीं। देखिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि मुझे पता था बाबा जी हैं वो मुस्लिम है, वो जरूर उसका घर गिराएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, तुरंत न्याय मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ है जब 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 बलात्कारी के समर्थन में खाप पंचायतें बैठ जाती हैं। हाथरस की घटना अगर आप देखेंगे, ऐसी ना जाने कितनी घटना है, उनके समर्थन में खाप पंचायतें बैठ जाती हैं अब, और वहां पे उनका समर्थन करते हैं और बाकायदा उसको टीवी मीडिया दिखा रहा है कि देखो कितने दबंग लोग हैं, टीवी मीडिया दिखा रहा है, हम और जो विक्टिम है उसी कोई खबर ही नहीं है। कई सारे केसों में आप जातिवाद को तो नहीं देख रही है, मतलब हो सकता है कि मनीषा वाल्मीकि की जाति शेड्यूल कास्ट थी, वो बहुजन समाज से आती थी, इसलिए मुद्दा नहीं दिखाया। और वही लखीमपुर खीरी में जो पीड़ित आरोपी थे वो मुस्लिम थे, SC ST माइनॉरिटी समाज का अगर कोई आरोपी होगा तो उसका सीधा एनकाउंटर होगा, उसको सजा दी जाएगी। आप इसको कैसे नहीं देखिए कास्टिज्म तो इतना ज्यादा है यहाँ पे। अगर मैं ये कहूँ, देखिए मैं ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं किसी कास्ट के विरुद्ध नहीं हूँ, मेरा सिर्फ ये है जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद यानी मनुवाद, ये मनुवाद जो मानसिकता है वो अगर मैं भी अगर आपसे देश भाव रखती हूँ और अगर मैं भी किसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ और लोग बोलते नहीं तुम ऊंची कम्युनिटी की हो और तुम्हारे नीचे ये लोग हैं और मैं उनके उनके लिए ऐसी बातें करती हूँ तो मैं भी मनुवादी हूँ, तो सबसे पहले तो हम लोग को अपने अंदर के मनुवाद को मारना पड़ेगा। आप खुद सोचिए 85% की आबादी हमारी, हाँ मुट्ठी भर लोग हमें नचा रहे हैं, क्यों? आपके अंदर अकल नहीं है, आप सोच नहीं सकते, आपका तर्कशीलता कहाँ चल जाता है कि एक 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 पुजारी एक ब्राह्मण आपके पीछे 1,00,000 लोगों को घुमा देता है। श्राद्ध का खाना ब्राह्मण नहीं खाता है, लेकिन आप उसके पीछे 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 श्राद्ध का खाना खाते हैं, क्यों? आपके अंदर तार्किकता अकल नहीं है। तो मनुवाद तो अगर छोड़ दे SC ST OBC मनुवाद छोड़ देना तो मनुवाद वैसे ही मर जाएगा, लेकिन मुश्किल ये है ये लोग इतने ज्यादा मानसिक गुलाम हो गए हैं, डरपोक जिसको कहें, कि अगर डरते हैं कि अगर हम पूजा नहीं करेंगे, अपने पति की पूजा नहीं करेंगे तो मेरा पति को कुछ हो जाएगा, अपने बच्चे के लिए व्रत नहीं रखेंगे तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, मैंने अगर नवरात्रि का नहीं व्रत रखा, मैंने अगर कावड़ लेके नहीं गए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई, लोग एक्चुअली ये सोचते हैं ना, जो हमारे लोग हैं ये सोचते हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो तथाकथित सवर्ण समाज के मनुवादी लोग जो अमीर हैं, वो शायद पूजा पाठ करके अमीर बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन लोग को बहुत टाइम से इसी पूजा पाठ से वो पैसा जोड़ जोड़ के, जो आपके पैसे से ही ना उन्होंने बंगले खड़े किए हैं, तो सबसे बड़ी बात है वो आपके पैसे से उन लोगों ने बंगले खड़े किए और आप उन्हीं को जाके पैसा दे रहे हो। आप अपने नामकरण के लिए वो अपने जो ब्राह्मण पुजारी है कहीं जाता नामकरण के लिए छत्री और अपने घर में नाम 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 रखेगा तो सूर्य प्रताप रखेगा, और आपके घर में आता है तो नामकरण में मिलता है आपका बेटा ग्राम चिंटू। आप खुद सोचिए किस हिसाब से, और आप खुश भी हो जाते हो, मतलब खुद तो सोचो यार, जी ने रखा है ना, हाँ इस तरीके, हाँ खुद तो आप सोचो कि आप कहाँ जा रहे हो, खुद तो सोचो तो सही आप लोग। अब मुझे जिस हिसाब से इन लोगों ने गालियां दी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, लिटरली मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, क्योंकि मैंने अपने लिए कभी हाय हाय के नारे लगाने के लिए कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी मेरे साथ होगा, और उसके बाद भी ये लोग मुझे जातिवादी कह रहे हैं, ना जाने कैसे कि मैं खुद अपने मुंह से बोल रही हूं। उन लोगों ने मुझे वेश्या कहा, रंडी कहा, और ये कहा कि तुम रंडी खाने में पली हुई हो और जहां इसको मिलो गोली मार दो, इसको ये जहां मिले इसके कपड़े उतार के गोली मार दो, ये चीजें उन लोगों ने कही। मैं कुछ टाइम तक तो बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है, मैं डर गई थी, लेकिन बात यही है कि आखिर ये डर कब तक रहेगा? जितना आप डरेंगे उतना डराएंगे। आज तो संविधान लागू है तो भी मैं डर रही हूँ। उस टाइम पे जो आपने सुना होगा, एक नांगलोई थी, बहुत वो अपनी जान दे करके उन्होंने अपने कौम की इज्जत, उनको उनके अंदर क्रांति पैदा की, तो उनके उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।
कुछ भी नहीं हूं। और यही ये लोग मेरे ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं, तो भाई जातिवादी मैं कैसे हूं जरा मुझे बताओ। हमारे लोग, हमारे बहुजन एससी एसटी के लोग कहां है? जुडिशरी में है, मीडिया में है, ज्वाइंट कमिश्नरी में है, सेक्रेटरी है, उच्च पदों पर है, कहां है? वहां पर तो सब आपके लोग भरे हुए हैं, सारे आपके मनुवादी लोग भरे हुए हैं, जज जज देख लो कितने हैं वहां पे हमारे लोग। तो जातिवादी मैं कैसे हूं भाई? आप अपनी जातिवादी को लोगों को आगे बढ़ा रहे हो, हमारी बात नहीं रखते हो। हाँ, आप देखिए, अगर सचमुच अगर संविधान को कुछ हो गया तो ये लोग तो जो धीरे धीरे अभी 35 लाख नौकरियां चली गई हैं, 35 लाख नौकरियां चली गई हैं, 5 लाख सिर्फ एससी एसटी की नौकरी बची है। और अगर इस हिसाब से रहा तो हम लोग इसमें, क्योंकि वो लोग अपने लोगों को तो पुल कर लेंगे ना वो लोग, कि अपने लोगों को तो नौकरी दे देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो सिर्फ संरक्षण संविधान का है। तो डेफिनेटली इसके लिए करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसके लिए, और तन मन धन से करना। सबसे ज्यादा तो महिलाओं को मैं बोलूंगी, इवन सवर्ण महिलाओं को भी मैं बोलूंगी, हालांकि वो सुनेंगी नहीं मुझे पता है, लेकिन महिलाओं, अगर संविधान को कुछ हुआ तो महिला कहीं की नहीं रहेगी। क्योंकि जैसे ही अभी आपकी नौकरी जाएगी, ठीक है, आपको कोई नौकरी देगा नहीं, धीरे धीरे आप गरीबी में आएंगे, गरीबी में आएंगे, उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, हांडी और उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, झाड़ू की स्थिति में पहुंच जाएंगे। देन उसके बाद क्या होगा? आपकी महिलाओं पे जो अत्याचार आज डराने के लिए किया जा रहा है, फिर वही आपको वो डोली में शुद्धिकरण होगा कि आप शादी हो रही है, पहले शुद्धिकरण के लिए हमारे पास भेजो। ये सारी चीजें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, और कहां हमारे बच्चे कहां किस स्थिति में जाएंगे आप सोच भी नहीं, इतना भयवा है। प्रियंका जी, इतने सारे मुद्दों पे हमने बात की है, जब हम खुद ही सेफ नहीं है महिलाओं के तौर पे, तो हम एजुकेशन पाना तो बहुत दूर की बात है, एजुकेशन पे बात नहीं कर सकते, नौकरी की बात नहीं कर सकते जब हम खुद महफूज नहीं। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए, आपके देश की बेटी ब्रिटेन जाती है और संबोधित करती है वहां के लोगों को, इस पर तो खुश होना चाहिए आपको। किसकी बात? खुश, अगर ये सच होता तो मैं खुश होती। अगर वहां जाके चकचकाते हैं अगर वो ब्रिटेन के कोहिनूर, तो भारत को अंधेरे में क्यों करके रखा हुआ है? भारत को तो पूरा अंधकार में कर दिया है, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। और चित्रा त्रिपाठी की जो बात कर रही है, गोदी मीडिया है वो, अगर उसको कोहिनूर नहीं कहेगी तो बेचारी को कौन देगा खाने पीने को, आप बताइए? और जितना उन लोगों ने धन दौलत जोड़ ली है कौन देगा? अब चित्रा त्रिपाठी की अगर बात कर रही है, तो बाबा जी का वहां से गोरखपुर से जाता है, सीएम साहब का जाता है, चित्रा तुम्हारे बाल नहीं अच्छे आज बने, बताइए? इतना ध्यान रखा जाता है, तो फिर तो उन लोगों को इतना ध्यान रखा जाता है, उन्हीं पे उन लोगों ने अपनी अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर ली, सारी चीजें कर ली, तो जिसका पैसा खाएंगे, जिसका नमक खाएंगे तो चाटेंगे तो उसी का, जिसकी हड्डी खाएंगे भोकेंगे उसी के लिए। तो ये लोग भोकने वाले लोग हैं। अगर धरातल पे आप जाएंगे, इसके पहले भी मोदी जी की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके लिए भी ये सारी चीजें बोली गई कि वहां इतना ज्यादा चीजें हुई, ड्रम पीटा गया, और जब ड्रम पीटा गया ये सारी चीजें हुई, और जब लोग सच जानने की कोशिश किए तो वहां पता चला वहां उनके लिए लोग नहीं आए हुए थे, वो भीड़ खड़ी हुई थी, उस भीड़ को दिखाया गया था बस। आपकी फेसबुक पे मैंने इस तरीके के भी कमेंट देखे हैं कि अब तो आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आपको आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण लेना ही नहीं चाहिए आपको, इस पर आप क्या? देखिए, आरक्षण खत्म की बात तो मैं, आरक्षण है कहां पहले मुझे ये बताइए आप, बचा है आरक्षण क्या? आरक्षण बचा है, देखिए बीजेपी का बहुत पहले से, इवन ये अटल जी का प्लान था, जिन्होंने पेंशन बंद की और पेंशन खा के ही मरे, और फिर मोदी जी आए, इनका प्लान है कि नौकरी खा जाएंगे और अपने मित्रों को करोड़पति कर देंगे। और आरक्षण की जहां तक बात है, अब मैं यही बार बार बोल रही हूं कि 35 लाख नौकरियां चली गई हैं एससी एसटी की, ओबीसी आरक्षण आरक्षण चिल्ला रहा है, और कहां से जब नौकरी ही नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है कि आप निजीकरण को रोकिए, और उस सरकार को जरूर, अगर कोई भी ये बोलता है कि जो निजीकरण हो गया है फिर से उसका राष्ट्रीयकरण होगा, तो उस इंसान को, उन लोगों को प्राथमिकता दीजिए अपना वोट देने में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। निजीकरण में तो हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसीलिए किया ही गया है निजीकरण, इसीलिए किया गया है कि जो जहां था उसको वहां पहुंचा दो। देखो, नवरात्रि चल रहा है तो मेरे दिमाग में ख्याल है, आपने एक पोस्ट किया था कि आपके सपने में कल रात देवी आई थी, तो क्या कहना चाह रही थी वो आपसे? देखिए, देवी जी ने मुझसे यही कहा, दुर्गा जी ने मुझसे यही कहा कि महा बेवकूफ हो तुम लोग कि 5000 सालों से मुझे पूछ रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी भी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मैं सिर्फ किसी खास वर्ग के लिए करती हूँ?
इतने गधे हो तुम लोग कि मैं सिर्फ खास वर्ग के लेकर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन तुमको इंसान बनने का दर्जा दिया, एक लिंग भेद खत्म किया, जाति भेद खत्म किया, तुमको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तुम मेरे दरबार में बाहर खड़े हुए हो गधो, तो तुम लोग सबसे पहले क्यों नहीं जाके अपने अपने अधिकारों की रक्षा करते? और ना आज उम्मीद कर, ना आज तक मैंने किया है कुछ, ना आगे कोई उम्मीद रखो। ये दुर्गा जी ने मुझसे कहा, दुर्गा जी ने कहा, और उनका मैं बहुत ज्यादा नमन करती हूँ कि उन्होंने मेरी आंखें खोली। अगर इस पर प्रियंका पासवान की कोई गलती नहीं, क्योंकि ये तो माता दुर्गा का इनको डायरेक्शन, दिशा दिखाने का निर्णय था, इनके सपने में आई, शायद वो इनको जागृत करना चाहती थी। लेकिन इस पर भी मैं भावना आ तो जाए लोगों की, तो क्या होगा? देखिए, भावना तो आहत, अब भावना आहत हुई तो वो अपने देवी पे वो उंगली उठा रहे हैं, तो अपने देवी पे उंगली उठाना उनको कितना अगर उनको उठा सकते हो तो उठाए अपने देवी पे उंगली। मैंने तो बिल्कुल नहीं उठाया, मैंने उनको बराबर नमन किया। इस बात से तो दिक्कत नहीं होगी कि देवी किसी दलित लड़की के सपने में कैसे आई? ये बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मैंने कहा, देवी दुर्गा ने कहा कि तुम लोग मुझे याद ही क्यों करते हो, मैं अपवित्र हो जाती हूँ, मैं अपवित्र हो जाती हूँ, तुम लोग मुझे याद क्यों करते हो, याद मत किया करो। और मुझे तो अछूत लड़की भी कह गई कि तुम्हारी वजह से मुझे अब यहाँ से जाके नहाना पड़ेगा, और तुम लोग इतने इतने गिरे हुए इंसान हो कि तुम लोग पास अकल नहीं है, तुम लोग जूते ही खाओगे, मंदिर जाते हो लतियाए जाते हो, गरबा में मेरे नाचने जाते हो लतियाए जाते हो, तो जाओ और लात खाओ या अपने अधिकारों को, संविधान को सुरक्षित कर लो। क्या कहेंगे कि नवरात्रि, बात नवरात्रियों का नहीं है, बात है धार्मिक जुलूस निकालने का, जिनको 2 मिनट के अजान से परेशानी होती है, जिनको लाउड स्पीकर पे कोई प्रोग्राम या किसी तरीके का इवेंट होता है उससे दिक्कत होती है, और आजकल वही शोर मचाने पे लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पूजा पाठ या किसी को मानने की बात है, आप किसको मान रहे हैं, अपने माता पिता को मान सकते हैं, किसी को मान सकते हैं, अल्लाह को मान सकते हैं, आप अपना मानिए, और लेकिन उसको शांति से भी किया जा सकता है। इस चीज की तो मैं बिल्कुल इस चीज में सहमत हूँ कि शांति के साथ अपनी भाव, क्योंकि हम लोग भी क्या चिल्लाते हैं, नमन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं जिनको भी याद करना है, तो कहीं भी लाउड स्पीकर, चाहे किसी भी देवता को, किसी भी धर्म संप्रदाय की बात हो, चिल्लाना तो नहीं चाहिए। अपना शांति से अपना काम करें ताकि बाकी आसपास के लोग सो सके, अपना आगे बढ़ा सके। आप भी अपना काम अच्छा कर रहे हैं, मैं ये बोल रही हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दिल से करिए ताकि आपसे लोग जुड़े, और भी जो आपके बगल में रहते हैं उनका भी थोड़ा ख्याल कीजिए, ताकि चिल्लाना चिल्लम चिल्ली बंद कीजिए। मैम, आप जिस तरीके से अपनी बात रख रही हैं बेबाकी से, गिनी चुनी महिलाएं हैं जो समाज में अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रही हैं, अपनी जस्टिस के लिए बात बोल रही हैं, लेकिन आपके साथ ना मीडिया है, ना प्रशासन है, ना सरकार है, तो कैसे मतलब फेस कर पाएंगी, कैसे लड़ पाएंगी? जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रही हैं उसको तो खत्म कर रही है बीजेपी। देखिए, शायद इसीलिए अब आगे आना पड़ेगा, और अभी मैंने जो इन लोगों ने मेरे लिए FIR की बातें की हैं, तो इसके एवज में मैंने भी उनके लिए कंप्लेन किया है, FIR में करूंगी। हालांकि मैं सोच रही थी इन लोगों को छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और अभी भी संविधान हमारा है, हमारे हितों की रक्षा करता है, तो संविधान बचाना हमारी आवश्यकता है, और हम लोग को ये करना चाहिए। और मैं संविधान के संरक्षण के तहत ही और कानून के तहत ही उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करूंगी, और डेफिनेटली एक एक को खींच करके कानून उनको सजा देना ही पड़ेगा। उन लड़कियों के लिए क्या कहेंगी जो नवरात्रियों में पूजा पाठ तो कर रही हैं, कर्मकांड के लिए लंबी कतारों में मंदिर की लाइनों में लगी हैं, लेकिन अपने हक अधिकारों के लिए वो सड़कों पर नहीं आना चाहती हैं? देखिए, इवन मैं और लड़कियों की तो बात नहीं करूंगी, मैं अपने अपने समुदाय की ही बात करती हूँ, जो बहुजन समाज, SC ST OBC। आजकल तो SC लड़कियां भी बहुत गजब है, मतलब दे यार यूजिंग की श्राद्ध करेंगे दलित महिलाएं, हम श्राद्ध करेंगे, हम ये श्राद्ध करेंगे देवी का, गोबर पूज रही हैं, हाँ गोबर पूज रही हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा, और उसके बाद कभी कुछ करती हैं, कभी कोई उपवास रखती हैं, कभी कोई पत्थर पहन रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, तो ये लोग तो मतलब खुद ही गटर में गिर रहे हैं। मैं वही बोला ना मैंने, ये लोग सोचते ये हैं कि शायद पूजा पाठ से हमारा अच्छा होगा। अरे भाई, अपना अपना इतिहास पढ़ लो कि तुम्हारा पूजा पाठ से कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ तुम्हारे पूजा पाठ से। तो ये मैं तो ये कहूंगी, जो बहुजन वर्ग है, अगर ये कर्मकांड और पाखंडी और ये चाहता है कि
ये सब कर कर ये सारी चीजें, पूजा पाठ, हवन सामग्री और मंदिरों में जाना, सारी धार्मिक कर्म कांड करना, इनसे कुछ मिलेगा तो जो भी कर रहा है बहुजन, मैं इस प्रकृति से प्रार्थना करती हूँ उनका एक काम ना हो, और होगा भी नहीं, होगा ही कैसे, आज तक नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। यही वजह मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके जज कलेक्टर तक वहां पे एकमात्र जाति के लोगों का कब्जा है। जी जी, यही तो देखिए ना, ये अपने अपने लोग समझते ही नहीं है कि जब हम लोग का देश आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों ने क्या कहा था, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को, मनुवादी लोगों को, ब्राह्मणों को उन्होंने बाहर रखा था, इसलिए रखा था कि वो बिल्कुल पक्षपात करेंगे और वो लोग अपना जो निर्णय है, जो रिजल्ट है, वो बिल्कुल भी बिना पक्षपात रहित हुए नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो रखा था। लेकिन उस वक्त भी वो मुगलों के चाटुकार बने रहे, मुगलों के दरबारी बने रहे, जब उनको जैसे जैसे मिलता गया, या ये कह सकते जो जो समय के साथ चला वो बढ़ते गए। लेकिन लेकिन ये यही चीज, ये भी यही चीज एससी एसटी ओबीसी बहुजन को समझना पड़ेगा कि आप देखिए, आपको तो मनुवाद भी दबा रहा है, आपको मनुवाद भी दबा रहा है, उसके ऊपर से अगर आप मुगलों के टाइम में रहे होंगे तो वहां पे जब सुनी ही जाती थी, दरबारी ही उनके होते थे, तो जो वो कहेंगे वही आपके साथ किया जाएगा, आप और गरीब होते गए। वही अंग्रेज अगर आए तो फिर वही वीर सावरकर पैदा हो गए, वीर सावरकर पैदा हो गए, और फिर आप उन्हीं की बात सुनेंगे, आप फिर दबा दिए गए, तो आपकी तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, और आप सोच रहे पूजा करके आप अमीर बन जाएंगे, पूजा करके सारी चीजें करके आप अमीर बन जाएंगे। अमीर आप जब बनेंगे जब बाकी आप काम करेंगे, जब आप संविधान के अकॉर्डिंग ना, संविधान के अकॉर्डिंग अपनी अपनी सारी चीजें जानेंगे। अभी आप ईरान की अगर आप देखिए, वहां हिजाब को लेकर के लड़कियां को मारा जा रहा है, और हम लोग को देखिए कितनी इजिली मिल गया सारी चीजें, एक झटके में हमको वोट देने का अधिकार मिल गया, एक झटके में हम लोग अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, लेकिन वहां के लोगों की पीड़ा अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे हम लोग कितने लकी हैं। तो इस चीज की इज्जत कीजिए और इस चीज को बरकरार रखिए, इस चीज को बचाइए और अपने अधिकारों के लिए सामने आइए, बोलिए। कोई भी महिला अगर निकलती घर के बाहर तो ये सुनने को हमेशा वो तैयार रहे कि कब उसको उसके चरित्र पे बोल दिया जाएगा। आप समझ लीजिए, बाहर आप निकल के अपने आप दिमाग में आप डाल लीजिए कि हाँ, सबसे पहले आएगा तो बोले ठीक है, हम स्वतंत्र हैं, जो कहना है कह लो, और ऐसे कहने वालों को भी छोड़ना भी नहीं है, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये आपने मेरे मान सम्मान पे किया है। शंकराचार्य आपने नहीं रोका, हमारे लोगों ने नहीं किया, तो ठीक है, अगर जब मुझे पता चला तो मैं करूंगी, और आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते, मैं डेफिनेटली FIR करूंगी उनके, उन लोगों के खिलाफ में। तो जिस तरीके से आप FIR को लेके बात कर रही हैं कि FIR होनी चाहिए, होनी भी चाहिए, क्योंकि भावनाएं सिर्फ एक तरफा क्यों आहत होती हैं? जी बिल्कुल, सामने वाले की भी भावनाएं होती हैं, सेंटीमेंट्स होते हैं, और जबकि चूंकि महिला पे प्रहार हो रहा है, महिला के कैरेक्टर पे प्रहार हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस के लिए आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आपको डर तो कहीं ना कहीं लगता ही होगा। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी बात होती है ना कि हमने तो आवाज उठाई, ठीक है, एकाध लोगों ने बहुत जम के मेरे साथ वहां खड़े थे सोशल मीडिया पे, कि वो भी बात का जवाब दे रहे हैं, जम के खड़े थे, लेकिन अधिकतर लोग नहीं है, मतलब 2-3 लोग ही आपके पक्ष में खड़े हैं, और जो बाकी लोग गालियों पे गालियां दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल मैं कहूंगी कि निधि हो, मीना कोटवाल हो, मैं हूं, या हमारे जैसे और लोग हों, या जो आपके लिए आपने बहुजन समाज के लिए कुछ कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगर वो कुछ आप बोल रहे हैं, तो अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं सच बात है, मैं अपने सिर्फ घर वालों के लिए नहीं कर रही हूँ, अपने अपने भाई बहनों, अपने बच्चे के लिए नहीं कर रही हूँ, और मेरे बच्चे को तो रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके फादर ही इंटर रिलीजन मैरिज है मेरी, कुछ नहीं मिलेगा उसको, लेकिन फिर भी मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे भाई बहन है, और मैं वो दर्द समझती हूँ जो मेरे दादा परदादा नाना नानी मेरे माँ बाप ने सहा है। तो अगर कोई इस तरह का इंसान है तो उसके साथ में कम से कम कोई बोलता है तो उसके खिलाफ उसके साथ में आप खड़े होकर उसके समर्थन में कम से कम बोलिए, इतना तो जरूर करिए, ये करेंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी बहुजन समाज पर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।
ये थी हमारे साथ प्रियंका पासवान। तमाम उन मुद्दों पे बात की जो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में घूमते रहते हैं, पुरुषों के मन में उनके चरित्र को लेके, महिलाओं के मन में भी अपने चरित्र को लेके कि हमारा चरित्र कैसे महफूज रह पाएगा, महिलाओं और पुरुषों के मन में कि महिलाओं को कैसे चरित्र पे सवाल कर उनको कमजोर बनाया जाएगा। नवरात्रि चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि मंदिर की देवी बनने से अच्छा है कि आप इंसान के रूप में रहें, क्योंकि देवी में कोई हलचल नहीं होती। इसलिए मनुवादी लोग हमेशा से ये कोशिश करते आए हैं कि महिलाएं निर्जीव वस्तु की तरह हाँ में हाँ मिलाती रहें, कोई रिएक्ट ना करें। लेकिन उन महिलाओं से अब डरने लगे हैं जो हक अधिकारों की बात करती हैं, जो जस्टिस की बात करती हैं। इसलिए हमारे समाज में प्रियंका पासवानों, मीना कोटवालों जैसी महिलाओं को आप सहयोग कीजिए, उनका आत्मबल बढ़ाइए ताकि जस्टिस की जो लड़ाई है वो लड़ने में सफल हो पाए। लड़कियां अगर इस वीडियो को देख रही हैं, कर्म कांड से बाहर निकलिए और प्रियंका पासवान की तरह सड़कों पर आके जस्टिस की लड़ाई लड़िए, क्योंकि अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं आने वाले, अब ज्योतिबा फूले नहीं आने वाले, क्योंकि उनको जो करना था वो कर चुके हैं। अब संविधान को महफूज रखना, अपने अधिकारों को महफूज रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।